अगेन मोस्ट वेलकम टू लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं त्रिकोण का परिचय चैप्टर जो हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 8.1, इसके अगले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में हमें पता है कि जो भी हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं वो कैसा होता है, समकोण होता है, है ना। समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द ही हमारा सारा काम होना है यहाँ पे। तो एक समकोण त्रिभुज हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो। ठीक है, तो तीन तो कोण ही है हमारे इस त्रिभुज में, एक तो समकोण होगा, बाकी रह गए दो कोण इस तरह से, ये और ये। तो ये दोनों कोण जो कह रहा है कि न्यून कोण हो, तो इसमें से एक को ए बोल रहा है, दूसरे को बी बोल रहा है। तो चलिए लिख देते हैं, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो सब कोण बच गया वो सी कोण कह देते हैं। तो एंगल ए और एंगल बी जो है न्यून कोण है, तो कह रहा है जहाँ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए इक्वल टू बी। इस त्रिभुज में कॉस ए और कॉस बी कंडीशन दिया हुआ कि इक्वल है, तो हमें बताना है कि एंगल ए और एंगल बी भी आपस में क्या हैं, बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ये कोण ए के लिए कॉस कितना हो जाएगा, कॉस बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार कौन सा है, ए सी हो जाएगा यहाँ पे एंगल ए के लिए, और कर्ण हो जाएगा ए बी। ठीक है, दूसरा देखते हैं कॉस बी के लिए, ये जो कोण बी है उसके लिए कॉस की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए आधार कौन सा हो जाएगा, बी सी, और कर्ण जो है आपका ए बी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, अब कॉस ए और कॉस बी के वैल्यू को यहाँ पे जो ये आया है हम पुट कर देते हैं। कॉस ए के लिए लिख दिए यहाँ पे ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू कॉस बी के लिए बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, ये देखिए इक्वल साइन है यहाँ पर, और इक्वल साइन के दोनों तरफ कि ए बी और ए बी जो कर्ण है आपस में इस तरह से कट जाएंगे ना, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे त्रिभुज में ए सी भुजा इक्वल टू बी सी भुजा, ये दोनों भुजाएं जो हैं आपस में बराबर हैं, और जब कभी भी दो भुजाएं आपस में इस तरह से बराबर हों तो उसके सामने का कोण भी आपस में बराबर होता है। ए सी के सामने का कोण देखिए कौन सा है, ए सी भुजा के सामने का कोण है एंगल बी, इसलिए लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू बी सी। भुजा के सामने कौन सी एंगल है, एंगल ए है, इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, यहाँ पे लिख भी सकते हैं समान भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, है ना। इस तरह से आपका ये एक पोस्टुलेट भी हो गया। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है देखिए, यदि कॉट थीटा इक्वल सुपेंड अपॉन एट, तो फर्स्ट वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, और सेकंड जो है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो एक ड्रॉ कर लेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज का, मान लेते हैं ये एंगल जो है थीटा है, नाम दे देते हैं त्रिभुज का ए बी सी। देखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है लंब है, बी सी आधार है, और ए सी कर्ण है। यहाँ पे दिया हुआ है कॉट थीटा इजकल टू सेवन अपॉन एट गिवेन, दिया हुआ डाटा है ये, और कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा जो है वो टेन के उल्टा होता है, तो यहाँ पर कॉट थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार है बी सी और लंब क्या है ए बी, इसलिए BC अपॉन
ए बी इक्वल टू 7/8 हो जाएगा, है ना। अब एक काम करते हैं, बी सी को 7k मान लेते हैं और ए बी को 8k मान लेते हैं, लिख देते हैं ब्रैकेट में माना, ठीक है। तो बी सी की जगह पे लिख देते हैं यहाँ पर, ए बी की जगह पर 8k, ठीक है। ए सी हमें नहीं पता, कर्ण नहीं पता है, कर्ण निकाल लेते हैं। ए सी इक्वल टू बोलिए क्या होगा, ए सी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना। अब इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पे, ए बी कितना है 8k, 8k का स्क्वायर प्लस बी सी है 7k, 7k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर, ठीक है। ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा 113k स्क्वायर, है ना। ए सी इक्वल टू, और इस तरह से ये k जो है स्क्वायर में है तो बाहर आ जाएगा, लिख देंगे यहाँ पे 113 रूट अंडर और k बाहर में, इस तरह से, ठीक है। तो ए सी का वैल्यू निकल गया, इसको यहाँ पर लिख दीजिए रूट अंडर 113 और k इस तरह से बाहर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ उसमें क्या क्या चाहिए, साइन चाहिए और कॉस चाहिए। तो यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन के लिए लंब बटे कर्ण, तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया 8k अपॉन ए सी 113 के, के से के कट जाएगा, कितना आ गया 8 अपॉन रूट अंडर 130, ठीक है। इसी तरह कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस के लिए क्या होता है आधार बी सी अपॉन कर्ण ए सी, बी सी की वैल्यू कितनी है 7k और कर्ण की वैल्यू कितनी है 100 रूट के अंदर k, के से के कट जाएगा 7/113, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को हम लोग इस पर पुट कर देते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछा गया है वो क्या है 1 + sin θ (1 - sin θ) / 1 + cos θ (1 - cos θ, है ना। तो 1 + sin θ (1 - sin θ) बच्चों देखिए ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है ना, तो इसको क्या कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 - sin²θ, है ना, और इसको भी इसी तरह से 1 - cos²θ। अब साइन और कॉस की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है, इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, लिख देंगे 1 - sin θ की जगह पर क्या लिख दिए 8 / √113 का स्क्वायर अपॉन 1 - cos θ के लिए क्या लिख दें 7 / √113 का स्क्वायर, है ना। क्या हो जाएगा 1 - 64 / √113 रूट हट जाएगा ना, बड़ा वाला बट्टा इस तरह से 1 - 49 / 113, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका 113 होगा ना, 113 - 64 / 113 इक्वल अपॉन बड़ा वाला बट्टा ये 113 - 49 / 113, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 113 में से 64 घटेगा तो 49 आ जाएगा, 49 / 113, इसके नीचे ये बड़ा वाला बट्टा 64 / 113, है ना। इसको हम लोग और भागा को पलट देते हैं तो क्या हो जाता है, गुना हो जाता है ना, 113 (49/113) × 113/64, ये जो भाग है ऊपर गया तो गुना का चिन्ह बन गया और ये संख्या पलट गई, है ना, जो नीचे है वो ऊपर चली गई, जो ऊपर है वो नीचे आ गई। तो इस तरह से देखिए ये कट जाएगा तो कितना वैल्यू आ गया 49/64, है ना। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का।
इस तरह फिर दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट जो है क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है पहले से 7/8, इसका स्क्वायर कर देंगे कितना आ गया 49/64। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन की ब्यूटी को थोड़ा देखा जाए। यहाँ पर जो क्वेश्चन है अभी जो मैंने किया, वैल्यू पुट करके इसको उतना ना करके डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं, 1 + sin θ × 1 − sin θ दिया हुआ है, अपॉन 1 + cos θ × 1 − cos θ दिया हुआ है ना। अब देखिए ये 1 − sin²θ हो जाएगा, a + b × a − b के फॉर्म में है इसलिए इतना हो जाएगा ना, और ये 1 − cos²θ, इतना तो समझ ही रहे हैं आप। उसके बाद देखिए, हमने पढ़ा था sin²θ + cos²θ = 1। तो यहाँ से देखिए cos²θ इधर रह जाएगा, ये जहाँ है, और इक्वल साइन के उधर 1 है, लिख दिया 1, और ये जो sin θ इधर है प्लस है, तो वो इक्वल साइन के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1 − sin²θ। देखिए यही वाली वैल्यू हमें दिख रही है ना यहाँ पे 1 − sin²θ, तो इसकी जगह पे डायरेक्ट लिख देते हैं cos²θ अपॉन। उसी तरह से इसके लिए देखिए, ये साइन इसी को फिर यहाँ पे हम कर रहे हैं, sin²θ इक्वल टू 1 अपनी जगह पे रहे, और ये cos जो है जो इधर प्लस पे, इसको उधर ले जाइए इक्वल साइन के, तो cos²θ ये देखिए 1 − cos²θ यही वाली वैल्यू दिख रही है, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे sin²θ, है ना। तो ये जो है cos अपॉन में sin क्या होता है, cot होता है, cot²θ हो जाएगा, और cot की तो वैल्यू हमें दी हुई है 7/8, तो इस तरह से 7/8 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 49/64, है ना, हमें उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ा। इस तरह से कोई स्टूडेंट अगर ये इस तरह से करता है तो उतने ही मार्क्स मिलेंगे। आपको जो उचित लगता है आप कर सकते हैं। देखिए 1 + sin θ × 1 − sin θ और 1 + cos θ × 1 − cos θ इसकी वैल्यू को पुट कर करके मैंने यहाँ वैल्यू निकाली है, और यहाँ कोई स्टूडेंट इस तरह से करता है और इस तरह से उसकी वैल्यू आ रही है, देखिए ये और ये एज इट इज़ सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। और एक ये कहा जाए कि 1 + sin θ × 1 − sin θ upon 1 + cos θ × 1 − cos θ = वैल्यू जो होती है cot स्क्वायर थीटा होती है। आपका ये फॉर्मूला भी हो गया, इसको आप याद कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी ये वैल्यू आपको नज़र आए आप इतना लिख सकते हैं, आपका एक ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, हम इसका आगे यूज कर सकते हैं, जब हम और क्वेश्चंस को करेंगे तो वहाँ पे इसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है question number 8, ये यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि 1 − tan²A upon 1 + tan²A = cos²A − sin²A है या नहीं। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये जो इक्वल साइन के इधर वाली वैल्यू है और इक्वल साइन के इधर वाली वैल्यू है, दोनों को इक्वल हमें दिखाना है, बताना है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए पहले एक लेते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज, इस तरह से ड्रॉ करें, और दिया हुआ है कॉट ए, इट मीन्स कि ए को हम लोग थीटा मान लेते हैं, कुछ इस तरह से लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ए लिख देती हूँ, ये बी और ये सी। बी कोण जो है यहाँ पे समकोण है, एक कोण के टर्म में यहाँ पे बातें हो रही हैं। त्रिभुज लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में कॉट ए इक्वल टू क्या होगा, कॉट टेन का उल्टा होता है तो आधार बटे लंब, है ना। आधार बताइए इसमें कौन सा है, ए बी है, और लंब कौन सा है, बी सी है। और 3 cot A = 4 ये गिवेन है क्वेश्चन, ठीक है ना।
तो कॉट ए जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा ना, और कॉट ए इक्वल टू इतना है तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर ए बी ए कॉट, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, उसी कॉट की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, इसलिए यहाँ पर एक काम करते हैं ए बी इक्वल टू 4k लिख देते हैं और बी सी इक्वल टू 3k लिख देते हैं, माना हमने यहाँ ब्रैकेट में कर दिया मान लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए ए बी जो है इसके सामने हम लिख देते हैं 4k और बी सी जो है इसके सामने 3k लिख दिया, ठीक है। इस तरह से अब हमें ए सी तो नहीं पता है तो क्या करेंगे, ए सी की वैल्यू आप यहाँ पर फाइंड करेंगे। बताइए ए सी इक्वल टू क्या लिख दें यहाँ पर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए आगे करते हैं, 4k का स्क्वायर ए बी की जगह पर और बी सी की जगह पर 3k का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ये कितनी वैल्यू हो गई, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, 25k स्क्वायर हो जाएगा ये, और रूट इसका हटाएंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 5k हो जाएगी, ठीक है ना। ये एसी की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 5k। इस एसी की वैल्यू को भी यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों जो क्वेश्चन है कह रहा है उसके अकॉर्डिंग टैन की वैल्यू यहाँ पे हम पहले निकालते हैं। टैन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है ना, ये पता है आपको। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू हमें पता करनी होगी, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पर साइन ए की वैल्यू पता करते हैं पहले। अब देखिए बी सी इक्वल टू कितना है यहाँ पर, 3k अपॉन साइन इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे, बी सी इक्वल टू 3k अपॉन ए सी की वैल्यू 5k कट जाएगा, कितना बचा, 3/5, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस ए इक्वल टू, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या हो जाएगा ए बी बटे कर्ण कितना, ए सी, ए बी की वैल्यू कितनी, 4k अपॉन ए सी की वैल्यू 5k कट जाएगा, कितना बचेगा, 4/5, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए एल एच एस लेकर चलते हैं, एल एच एस की वैल्यू कितनी दी हुई है, लिख देते हैं यहाँ पर एल एच एस इक्वल टू 1 - tan² a अपॉन 1 + tan² a, ठीक है। अब 1 - tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, साइन की वैल्यू कितनी, 3/5, कॉस की वैल्यू कितनी, 4/5 लिख दीजिए यहाँ पर। इन दोनों को देखते हुए देखिए टैन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टैन ए इक्वल टू 3/5 और 4/5, तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, 1 - 3/4 2 + 3/4 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1 - 9/16 और ये 1 + 9/16, इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये जो बट्टे के नीचे है इसको गुना कर देते हैं और संख्या पलट जाएगी, 16/16 + 9 हो जाएगा ना इस तरह से, तो ये ऊपर में क्या बचेगा, 7/25, ये आपका एल एच एस इक्वल टू इतना आ गया। अब देखते हैं आर एच एस इक्वल टू, आर एच एस की वैल्यू है cos² a - sin² a, ठीक है ना। अब देखिए कॉस की वैल्यू कितनी है, 4/5 है, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन 3/5 है उसका स्क्वायर, स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25, एलसीएम इनका 25 आएगा। इस तरह से 16 में से 9 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 7/25। देखिए बच्चों एल एच एस को लेके चले हम, 7/25 आ गया, आर एच एस को लेके चले तो ये भी 7/25 आ गया, ठीक है। इस तरह से
हम लिख देंगे, इसलिए LHS इक्वल टू RHS, या इसी को दूसरे भाषा में लिख देंगे हैं हम यहाँ पर 1 - tan² A / 1 + tan² A इक्वल टू cos² A - sin² A। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हाँ ये इतना इक्वल टू इतना है। ठीक है, प्रूफ हो गया। इस तरह से हमने आज क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर फिनिश किया, और इसकी अगली जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।